अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस। आप अपने विद्यालय के खेल मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई पता करना चाहते हैं, तो आप इसका मापन कैसे करेंगे? इसका मापन करने के लिए आपको कोई मापन यंत्र जैसे रूलर, स्केल, मापने वाले फीते की आवश्यकता होगी। क्या हम रूलर की सहायता से मैदान की लंबाई आसानी से पता कर सकते हैं? इसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी? राजेश ने कहा, रूलर की सहायता से मापने पर हमें रूलर का बार बार उपयोग करना होगा, क्योंकि मैदान की लंबाई अधिक है, परंतु बार बार उठाने और रखने में गलती हो सकती है, अतः हम मापने वाले लंबे फीते का प्रयोग करेंगे। जाहिदा बोली, मैदान की लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक फीते को ले जाना होगा। एक छोर पर एक बच्चा फीते के एक सिरे को पकड़कर खड़ा हो जाए और मैदान के दूसरे छोर तक फीते को ले जाकर उसे पढ़ने से दूरी पता चल जाएगी। जमुना ने पूछा, क्या इसी तरह हमें खजूर के पेड़, वॉलीबॉल के मैदान में लगे नेट के खम्भों की ऊंचाई पता करनी हो तो इनके ऊपरी सिरे से ज़मीन तक की दूरी मापनी होगी? पर यह थोड़ा मुश्किल है, पेड़ और खम्भों के शिखर तक हम कैसे पहुँचेंगे? असलम ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हम गणित की कौन सी तकनीक का प्रयोग करें? क्या हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर ऊंचाई एवं दूरी पता कर सकते हैं? आइए देखें।